मैं ये सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे, क्योंकि मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं है, गौरव गोगोई जी ने बोला, बहुत अच्छा बोला। इतिहास में जाइए, इतिहास में झांकिए, अलग अलग तरह की बातें करते हैं। कल राहुल जी आए, ऐसा हंगामा हुआ, पूरी दुनिया आ गई। राहुल जी गए कब थे? हम लोग भी यहां सारे सांसद बैठे हैं और उनको जानकारी होनी चाहिए कि हम जो है बजट सेशन में यहां आए थे, मार्च अप्रैल में यहां आए थे ना। राहुल जी थे बजट सेशन में कि नहीं? थे ना। इसके बाद हम लोग मानसून सेशन में आए, राहुल जी हैं कि नहीं मानसून सेशन में? राहुल जी गए कहां थे? कहां गए थे? किस तरह की चर्चा है? और दूसरी बात यह है कि जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर आए हैं, उसने अभी जजमेंट नहीं दिया है, अभी स्टे ऑर्डर दिया है, और तो भी उन्होंने कहा है, लोग कहते हैं प्रधानमंत्री मौन है, प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते, प्रधानमंत्री चीजें नहीं बोलते। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या नहीं कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, दो चीजें कह रहे हैं, कह रहे मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्यों क्यों माफी मांगे भाई? मोदी तो बहुत छोटा जात है, नीच जात है, ओबीसी है, ओबीसी से क्यों माफी मांगेंगे, बड़े आदमी है। और दूसरी बात यह है कि सावरकर नहीं हूं मैं, सावरकर नहीं हूं मैं, आप सावरकर हो भी नहीं सकते, कभी जिंदगी भी नहीं हो सकते। 28 साल उस आदमी ने जेल में गुजारा है, आप अपनी तुलना सावरकर से करते, कभी सावरकर नहीं हो सकते। ये जो सवाल है सर, ये INDIA की बात करते हैं, मुझे तो, मैं सोनिया जी का बहुत सम्मान करता हूं, और ये जो INDIA बना है सर, ये INDIA, यहां जितने लोग सांसद बैठे हैं ना, उनको रैंडम यदि आप पूछ लीजिए अपोजिशन वाले से कि INDIA का क्या फुल फॉर्म है, शायद कुछ ही लोग होंगे जो बता पाएंगे। और ये इंडिया इंडिया बात कर रहे हैं सर। मैं तो इस मणिपुर का जो है शुक्रगुजार हूं, मणिपुर का शुक्रगुजार हूं, जिसको अभी आपने डाटा सर, दानिश अली को जिसको आपने डाटा, भारत माता की जय कहने पर भी उसको लगता है कि ये बीजेपी का नारा है। लेकिन मैं मणिपुर का शुक्रगुजार हूं कि जितना इंडिया इंडिया जो है आजादी के बाद से कांग्रेस ने नहीं किया होगा, 1947 के बाद से उतनी बार इंडिया इंडिया का यहां नारा लगा सर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। 1976 में भ्रष्टाचार के आरोप के ऊपर इस कांग्रेस ने करुणानिधि जी की सरकार को बर्खास्त कर दिया, और 80 में जब इंदिरा जी की सरकार बनी तो यही DMK उनके साथ हो गई। आप करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर डीला। ने कहा उसी को, मैं केवल यह कह रहा हूं किस तरह की यह अपोजिशन की यूनिटी है। एक जो गाना है ना सर, ये कैसा सुर मंदिर है जिसमें संगीत नहीं, गीत लिख दी दीवारों पर, गाने की सुर नहीं, गाने की रीत नहीं। मतलब आप ये समझे सर कि ये आंख का अंधा नाम नैन सुख, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं लेकिन नाम क्या रखा है? इंडिया। लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव आया, अविश्वास प्रस्ताव किस लिए आया? यहां सोनिया जी बैठी हुई है, सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की, उनकी दो मनस्थिति है, वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही है, इसीलिए अलौकिक पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। अरे जिसका नेम ले रहा है वो बोले ना, जिसका नेम ले रहा है वो बोले, ये लोग क्यों बोल रहे हैं? अध्यक्ष जी, जिसका नाम लिया जा रहा है वो सदन में मौजूद है, वो ऑब्जेक्शन नहीं कर रही है, दूसरे क्यों कर रहे हैं ऑब्जेक्शन? दूसरे क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? वो खुद सदन में मौजूद है, उनको कोई ऐतराज नहीं है। दूसरे ऐतराज करने वाले कौन होते हैं? जब ऑलरेडी सदन में लोकसभा के माननीय सांसद मौजूद है और वो ऐतराज नहीं करेंगे तो दूसरे ऐतराज करने वाले कौन होते हैं? अब
अब आप समझे सर, मैंने दोनों बातें कही कि बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना। मैं अपने बात पर कायम हूं सर। मैं अध्यक्ष जी अपनी बात महाभारत से खत्म करना चाहता हूं। महाभारत का एक बड़ा कहानी है सर कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और पूरे चाहे कौरव पक्ष के लोग हों चाहे पांडव पक्ष के लोग हों वो सभी जो है चीरहरण को देख रहे थे। वो माननीय प्रधानमंत्री जी को माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का चीरहरण करेंगे जैसे द्रौपदी का चीरहरण होगा हुआ है। मैं आपको कहना चाहता हूं इतिहास से कि चाहे राम मंदिर बना दिया हो 370 जो हमारी थी धारा उसारे तो हमने बना ही दिया। मैं केवल इतना कहता हूं सर कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य धृतराष्ट्र जयद्रथ चाहे वो युधिष्ठिर हो चाहे वो अर्जुन हो सभी मौन धारण किए हुए थे। आज यदि माननीय प्रधानमंत्री जी का गांव गरीब किसान के हितैषी का आप चीरहरण करेंगे तो जिस तरह से न धृतराष्ट्र बचा न दुर्योधन बचा न भीष्म पितामह बचे न अर्जुन बचा न युधिष्ठिर बचा आप में से कोई भी बचिएगा 2024 में आप लोग कोई वापस नहीं आइएगा। हम 400 सीट के साथ वापस आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।